जय सियाराम। सीता जी से जब मिला हार्दिक आशीर्वाद, हनुमत ने समझा उसे जीवन लाभ प्रसाद। श्री जी के वाक्य नहीं थे वे, अनमोल रत्न थे चुने हुए। मनमानस में ले कपि उनको साहस धन से सौ गुने हुए। फिर ऐसे भाव निमग्न हुए अपना अस्तित्व भुला उठे। पाप प्रबल शक्ति झूमने लगे पाविमल भक्ति पुलका उठे। कितने ही क्षण मौन रहे फिर बोले सहलाद, जन्म सफल मेरा हुआ पाकर आशीर्वाद। हे माता अब है विनय एक, यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है। फिर भी मुख खोल कहे माँ से बालक का चित्त मचलता है। आया हूँ सिंधु लांग कर में, इस कारण भूख सताती है। यह पेड़ फलों से लदे देख इच्छा भी बढ़ती जाती है। रखवाली पर जो माली हैं उनका किंचित भय नहीं मुझे। जब कृपा दृष्टि माँ की है तो सकुचाहट संशय नहीं मुझे। देख बुद्धि बल धाम सुत बोली माँ तत्काल, रघुराई को हृदय धर जाओ मेरे लाल। शीश नवा कर मात की पदरज लेकर माथ, अवधनाथ का ध्यान धर चले मुदित कपिनाथ। जिस डाली पर डाली निगाह वह डाली डाली फिर न रही। फल फूल तोड़ सब फेंक दिए लाली हरियाली फिर न रही। हर्षित हो किलकार मार तरु तरु पर धाने लगे बली। मीठे मीठे फल छाट छाट जी भर भर खाने लगे बली। फल खाकर तरु उखाड़ते थे सागर में उन्हें बहाते थे। मालीगण सम्मुख आते तो शाखाएं मार भगाते थे। रखवाले बजरंग की बार बार खा मार, पहुंच दशानन सभा में करने लगे पुकार। स्वामी आया है कीश एक, वाटिका उजाड़ रहा है वह। फल खाने की कुछ बात नहीं पर पेड़ उखाड़ रहा है वह। बानर है नहीं प्रलय है वह, या यमपुर का हलकारा है। बिस मारा है सारा अशोक राक्षस गण का बस को बस मारा है। उन सब की यह टेर सुन कांप उठा दशभाल। जाओ भगा दो कीश को भेजे भट तत्काल। खलदल आता देख कर उछल पड़े हनुमान, वृक्ष हिलाकर वेग से गरजे मेघ समान। सुनते ही शब्द असुर कांपे फूट गए युगल पटकरणों के। बजरंग निरंग वह दिखलाए भदरंग हुए मुंह राक्षसों के। कुछ मींज दिए कुछ खूंद दिए, कुछ पेड़ गिरा कर दबा दिए। कुछ पकड़ सिंधु में फेंक दिए, कुछ बांध पूंछ में घुमा दिए। बजरंगी ने रणरंगी ने क्षण में रिपुयमपुर पहुंचाए। कुछ बचे खुचे अधमरे असुर फिर राजसभा में चिल्लाए। रावण अतिक्रोधित हुआ सुन दूसरी पुकार, उसी समय सेना सहित भेजा अक्षय कुमार। इधर बली बजरंग ने उड़ती देखी धूर, समझ लिया आ रहा है अब के कोई सूर। इस बार किया ऐसा गर्जन कांपा पत्ता पत्ता बन का। मारा उखाड़ कर वृक्ष एक मुंह फेर दिया खलनंदन का। झट तरु से कूद पकड़ गर्दन झटका दे घोष किया जय का। छाती पर एक लात मारी फट गया कलेजा अक्षय का। बजरंग सिंह की मूर्ति देख बकरी सा वह मिमिया उठा। छे हुआ एक क्षण में अक्षय फिर महाकाल मंडरा उठा। तब धाए खलदल पर कपिवर ज्वाला मुख आग बबूले से। रिपु लगे बिलोने क्रम क्रम से पानी के निबल बगूले से। चुटकी में चटपुट शत्रु हुए वह महाप्रलय दिखलाई दी। कुछ बचे खुचे फिर भाग चले जाकर इस भांति दुहाई दी। रावण ने यह टेर सब सुनी तीसरी बार, अक्षय सुत की मृत्यु सुन बोला तनिक विचार। इंद्रजीत अब जाओ तुम बानर है बलवंत, वध मत करना बांध कर लाना यहाँ तुरंत। देखूं तो मैं कौन है ऐसा बल भंडार, जिसने मेरे अक्ष को रण में दिया सहार।
मेघनाद पहुंचा जभी हंसे पवन के लाल। ताड़ लिया इस बार है योद्धा एक विशाल। फिर गरज गरज तरुवर उखाड़ सीधा प्रहार भरपूर किया। रथवान सहित घोड़े मारे रथ को भी चकना चूर किया। सारा दल अंगरक्षकों का संहार दिया बजरंगी ने। पर इंद्रजीत के निकट पहुंच जयनाद किया बजरंगी ने। हल्का सा मुष्टिक कर प्रहार किलकार उठे तरु पर जाकर। उस इंद्रजीत से योद्धा को मूर्छा आई मुक्का खाकर। मूर्छा से जब मायावी ने दिखलाया माया बल सारा। बजरंग बली का वश न चला मिल गया धूल में छल सारा। उछल रहे थे वृक्ष पर पवन पुत्र सहलाद। नीचे से कहने लगा झुंझला कर घननाद। डाली डाली उछल कर दिखलाता है चाल। बंदी करता हूं अभी अपने लिए संभाल। मैं मेघनाद कहलाता हूं बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्ग लोक पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो मन में बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझे ले जाऊंगा। हनुमत बोले युद्ध कर बातों का क्या काज। इंद्रजाल ये खेल ले इंद्रजाल सब आज। यदि तुझको कुछ बन पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा हुआ मुंह तकता है अपने सब कर्तव्य दिखला ले। तेरा मेरा रण ही क्या है तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाद कहलाता है मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छल वाला है मैं कामजीत बल वाला हूँ। तू दीपक है मैं हूँ मशाल रवि कुल रवि का उजियाला हूँ। बिगड़ उठा से बात सुन लंकाधीश कुमार। ब्रह्म अस्त्र लेकर कहा अच्छा रोक प्रहार। मुझको तो तुझे बांधना है अतएव बांध ले जाऊंगा। 100-200 नहीं सहस्त्रों ही कर्तव अपने दिखलाऊंगा। तू निश्चय ही है महावीर तेरा वीरत्व मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्म फास इसमें अब तुझे बांधता हूँ। कहा अंजनी लाल ने पूर्ण हुआ संग्राम। बंधन है यह धर्म का बल का अब क्या काम। यह ब्रह्म अस्त्र यह ब्रह्म फांस यह ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है। मैं इसे काट सकता हूँ पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निषिद्ध नरटते हैं। जिनका लेते ही नाम त्रुत सारे भव बंधन कटते हैं। उनके जन को यह बंधन क्या पर प्रश्न धर्म का है इसमें। अतएव नाथ के कार्य हेतु यह अनुचर बंधता है इसमें। इतना कहकर बंध गए स्वयं वृक्षों के डाले छोड़ दिए। बंधते बंधते भी कपिवर ने बीसों के मस्तक तोड़ दिए। लंकेश्वर की सभा में पहुंचे जभी कपीश। क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा दस शीस। तू कौन कहां से आया है कुछ अपनी बात बता बन रे। उद्यान उजाड़ा क्यों सारा क्या कारण था बतला बन रे। लंका के राजा क्या तूने क्या नाम कान से सुना नहीं। तू इतना ढीठ निरंकुश है मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुंवर मेरा तो तेरा क्यों न संहार करूं। तू ही न्यायी बनकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करूं। ब्रह्म फांस से मुक्त हो बोले कपिस विवेक। उत्तर कैसे एक दूं जब है प्रश्न अनेक। दशमुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम क्रम से लेता हूं। पहला जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूं। सच्चिदानंद सर्वदानंद बल बुद्धि ज्ञान सागर हैं जो। रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुवर हैं जो। जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप पालक पोषक संहारक हैं। इच्छा पर जिनकी विधि हरि हर संसार कार्य परिचालक हैं। जो दशरथ अजर बिहारी हैं कहलाते रघुकुल भूषण हैं। रीझी थी जिन पर शूर्पण खा हारे जिनसे खर दूषण हैं। फिर और ध्यान दे लो जिनकी सीता को हर कर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए लंका आया था माता का पता लगाने को।
इतने में भूख लगी ऐसी हो गया विवश फल खाने को। सुधि तुमने ने ली पहुने की, निश्चर कुल में अभाव है यह। फल खाकर पेड़ तोड़ता है, बानर का तो स्वभाव है यह। भगवान जीम लेते हैं जब, तब भक्त प्रसादी पाते हैं। इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने भी श्री राम अर्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं। तुम उस प्रसाद के पात्र न थे, इस कारण तोड़ गिराए हैं। अक्षय वध का उत्तर है, सबको अपना तन प्यारा है। उसने जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान, बिना कहे बनती नहीं कहना पड़ा निदान। सीता माँ को लंका में रख, तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अपयश अर्जन कर, बिन आई मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं जो हैं मदांध प्रभुता वाले। सन्निकट आ रहा प्रलय काल, सोते हैं क्यों लंका वाले। है यही उचित शत्रुता छोड़, लौटाओ सीता माता को। श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। रावण बोला व्यर्थ का यह वितान मतदान, चोर और बरजोर हो करता नीति बखान। है धाक धरनी से गगन तलक, रचना समस्त मुझ ही में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझ ही में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं। ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको यह ऊट पटांग बात सुनकर। उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चुन चुन कर। ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले। उस बानर वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। हुए अंजनी लाल के लाल, तुरत ही नैन भाव दबा कर क्रोध का बोले ऐसे बैन। तूने जो अधम कहा इससे कब उनकी महिमा घटती है। कितनी ही फेंको धूल किंतु सूरज तलक न पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बौर आया है। मेरा मेरा जो बकता है ये कुछ भी नहीं काम आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देव वधूठी निरखेंगी। अन्यथा मरेगा जब मदांध मक्खियां लाश पर भिनकेंगी। दशकंधर को विष लगा यह हितकर उपदेश, क्रोध युक्त होकर दिया इस प्रकार आदेश। हे राजसभा के सचिव वरु, वानर सचमुच उन्मादी है। सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के। सिर इसका अभी काट डालो सामने मेरी इन आंखों के। खड़गों को खींच उठे खलगण, चाहा कपिका संहार करें। भालों की नौकों पे रख लें, फिर बाणों की बौछार करें। देव योग से आ गए तुरत विभीषण राय, बोल उठे हो रहा है यह कैसा अन्याय। हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को। ऐसा न करो जग धिक्कारे लंकापति की करतूतों को। फिर राजसभा में यह राजन अन्याय न यहाँ कीजिएगा। देना ही है यदि दंड इसे तो अवसर देख दीजिएगा। अब तो सब कहने लगे यही यही है न्याय। बोल उठा रावण करो तो फिर अन्य उपाय। बे पूछे पूछ घुमा कपि ने, उद्यान उजाड़ा सारा है। अतएव नि पूछा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है। घी और तेल व से वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूछ में बानर की। फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ पूछ में बानर की। जब जली पूछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा। लड़ने के लिए तपसियों को अतिशीघ्र यहाँ ले आएगा। आज्ञा सुन लंकेश की, हंसे बलि हनुमान। यही पूछ तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान। शारदा माँ तो कर चुकी काम, अब मैं कुछ कर दिखलाऊंगा। तिग्नी का नाच नचा इसको, सब इसकी अकड़ भुलाऊंगा। राजावश आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करते थे।
घर घर में आ अनेक कपड़े उस एक पूंछ पर बंधते थे। लंका में अद्भुत कौतुक था, बच्चे बूढ़े सब हंसते थे, जब पवन पुत्र अंजनी लाल अपनी यह लीला करते थे। वे वस्त्र लगाते जाते थे, यह पूंछ बढ़ाते जाते थे, पुर भर के कपड़े लगा दिए पर छोड़ न उसका पाते थे। घी तेल काम आया इतना, बाकी न बचा छोंकन तक को, कपड़े का ऐसा अकाल हुआ, बच रहा न जरा कफन तक को। बच्चे बूढ़े तरुण सब बोल बिबिद बिद बोल, खिलवाड़े करने लगे बजा बजा के ढोल। अंधों को सूझी नहीं सुख में दुख की लाग, नगर घुमा कभी पूंछ में तुरत लगा दी आग। बड़े बूढ़े जो कहते हैं आती वह बात यहाँ पर है, खांसी सब रोगों की जड़ है तो हंसी लड़ाई का घर है। श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के पामर क्या जाने, बजरंग बली की लीला को मतवाले निश्चर क्या जाने। रजनी के जाते ही जैसे हो उदित अरुण मारतंड उठे, त्यों आग पूंछ में लगते ही हनुमान हो परम प्रचंड उठे। अट्टहास कर दुर्ग पर पहुंचे पवन कुमार, पृथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार। लंका में बिजली सी चमकी, घनसा शोर घनघोर हुआ, आकार बड़ा जब आंधी सा तो हाहा चारों ओर हुआ। कांपे कच्छप दहले पन्नग, खिसके दिक्पति वह क्रांति हुई, मही गगन हिले गिरिधरण धसे, अति प्रबल प्रलय सी भ्रांति हुई। चल पड़ी हवाएं 49 तरु टूट टूट कर गिरते थे, आकाश धरातल एक हुआ, अंजनी लाल यूं बढ़ते थे। बढ़े हुए आकार में रहे कुछ समय वीर, दीर्घ किया फिर पूंछ को लघु कर लिया शरीर। चढ़कर उन कंगूरों को कलशों को ढाने लगे बली, फिर एक ठोर पर बैठ गए लांगुल घुमाने लगे बली। हरि के द्रोही निश्चर गण को करनी का स्वाद चखाते थे, प्रत्येक दिशा में घूम घूम जलतों को और जलाते थे। साए साए बढ़ने लगा ज्वाला का विस्तार, धाए धाए जलने लगा असुरों का घर द्वार। कोठा में धक धक आग लगी, नर नारी व्याकुल फिरते थे, चेती प्रचंड चंडी ऐसी ग्रह खंड खंड हो गिरते थे। जब ऊपर को लपटे उठी चलता रथ रुका दिवाकर का, सारा त्रिकूट गिरी भवक उठा, जल लगा खोलने सागर का। पति को पत्नी बेटे को माँ अग्रज को अनुज बुलाते थे, लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। हाहाकार निहार यह गरज उठा दसवात, होंठ काट कर दांत से मीजे दोनों हाथ। बलवानों को बलहीन समझ भ्रकुटी कराल कर ली अपनी, फिर आंख उठाई गगन और पुतली विशाल कर ली अपनी। क्रोधान्वित नेत्र दशानन के जैसे ही ऊपर उठते हैं, उड़गण यम इंद्र कुबेर वरुण रवि शशि के छक्के छुटते हैं। वह बिजली थी उन आंखों में, अंबर पर घिर आए बादल, कड़कड़ सा भीषण शब्द हुआ, जल अंधा धुंधलाए बादल। संकेत मात्र से काम हुआ, आयोजन हो तो ऐसा हो, यदि शासन हो तो ऐसा हो, अनुशासन हो तो ऐसा हो। दुर्दिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय, देता है प्रतिकूल फल सीधा भी व्यवसाय। ईश्वर की माया अद्भुत है, होनी का खेल निराला है, भगवान राम ही जब रूठे तो कौन बचाने वाला है। जिस समय अग्नि में जल पहुंचा तो फल विपरीत लगा फल ने, घीसा काम किया जल ने, वह आग लगी दूनी जल ने। मानो आकाशी झरने से पावक की धार झर रही थी, या उधर अशोक वाटिका में तपात्मा काम कर रही थी। बालों को खोले हुए सिया कहती थी लज्जा जाए नहीं, ज्वाला मैया मेरे सुत पर देखना आंच कुछ आए नहीं। यह देख प्रकृति का चमत्कार, अंजनी लाल हर्षा उठे, हनुमत को जब हंसते देखा रावण राजा खिसिया उठे। बोले क्या जाता रहा मेरा शासन काल, बंदी ग्रह से काल को लाओ अभी निकाल। ओ काल कहां तू बैठा है, कुछ कार्य नहीं कर सकता है, लंका में आग लग रही है तू खड़ा खड़ा मुंह तकता है।
हे विपत काल अधिकाल न कर, आ शीघ्र झपट कर बाहर को, मैं आज्ञा तुझको देता हूँ, भक्षण कर ले इस बानर को। जिस भांति मदारी के भय से कपि नाना कर तब करते हैं, त्यों ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। अति कुपित देख कर दशकंधर को कंपित सा हो वह काल गया, फिर प्रलयकारी की भांति झपट बजरंगी पर तत्काल गया। कहकर जय रघुराज की बोले अंजनी लाल, तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। तू लोक जीत तू भुवन जीत, जग जीत बखाना जाता है, पर यह शरीर है रामदास जो काल जीत कहलाता है। मैं महाकाल हूँ अरे काल, तुझ कराल को विकराल हूँ मैं, जिसके अधीन है शक्ति मेरी उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। यह के झट से झपटे पकड़ा उस क्रूर काल को क्षण भर में, जो बाल काल में ले छलांग था धरा दिवाकर कोकर में। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया इंद्रपुर ब्रह्मासन, कैलाश शिखर पर डोल गया कैलाश नाथ का योगासन। इंद्रादिक सब देवता हो अत्यंत उदास, आए करने प्रार्थना महावीर के पास। बजरंग बली हो जाओ शांत, सुरगण सब विनय कर रहे हैं, प्राकृतिक खेल मिट जाएगा इस कारण देव डर रहे हैं। लंका को फूंको क्षार करो, कंचन के कोठे तोड़ो तुम, पर वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन और फिर गरजे आंख निकाल। इतने में लंका को देखा तो वह अत्यंत चमकती थी, ज्वाला ज्यों बढ़ती जाती थी त्यों कंचन ज्योति दमकती थी। आंखों में खटका स्वर्ण तेज, सोचा परिणाम लपटका है, जा पहुंचे तभी सुरंगों में देखा कोई मुर्दा लटका है। नीचे सिर ऊपर पग उसके, साकल से जकड़ी बाहें थीं, फिर देखा मुर्दा जिंदा है, धीमी धीमी कुछ आहें थीं। कर मुक्त उसे बजरंगी ने भय तजो और हो शांत कहा, तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृत्तांत कहा। धन्य आपको आपने जीवन किया प्रदान, नाम सुनेश्वर दास का सुनिए दया निधान। मैं अपना फल बतलाने को दशमुख के सम्मुख आया था, आ गई साढ़े साती तुझ पर यह मैंने उसे बताया था। सुनते ही वह तो भवक उठा, आँखों को मुझ पर लाल किया, पहले तू भोग साढ़े साती यह कह बंदी तत्काल किया। अब तुमने जो उपकार किया उसका है प्रत्युपकार नहीं, कुछ सेवा लो आभारी से तो अधिक रहेगा भार नहीं। यह सुनकर बोले महावीर, यदि सचमुच तुम ही सनेश्वर हो तो आओ थोड़ा काम करो, जिसका प्रभाव लंका पर हो। इस चमक तक मक्की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम, सचमुच है दशा तुम्हारी तो कंचन को लोह बनाओ तुम। दृष्टि चनिश्चर की पड़ी छाया तिमिर अपार, लंका काली पड़ गई गरजे पवन कुमार। जो उलट पुलट कर दहन किया, मधचूर कर दिया रावण का, संपूर्ण नगर को फूंक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। सोने की भस्म बना कर यूं कुछ कुछ अलसाने लगे बली, कूदे तत्काल समुद्र मध्य निज पूंछ बुझाने लगे बली। पूंछ बुझा श्रम दूर कर ले छोटा आकार, पहुंचे माता के निकट फिर श्री वायु कुमार। बोले अब चित्त उछटता है, अतएव विदा करिएगा माँ, फिर हाथ कृपा का इस सर पर चलती ब्रियां धरिएगा माँ। प्रभु ने जैसे मुदरी दी थी दे चिन्ह मात भी निज कर से, संदेश कहें जो कहना हो कह दूंगा सब श्री रघुवर से। इन वचनों से मात को हुआ पूर्ण आह्लाद, दिया पुत्र हनुमान को आशीर्वाद प्रसाद। बोली लो मेरी चूड़ा मणि उनके चरणों में रख देना, कर जोर और मेरी से फिर इस भांति निवेदन कर देना। कर्तव्य समझ कर वे अपना मेरा संकट संवरण करें, जो बाण जयंता पर छोड़ा वे कहां गया फिर ग्रहण करें। यदि एक मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे, तो कह देना जितला देना फिर मुझे न जीती पाएंगे। बलवीर उधर तुम जाते हो,
क्या पता इधर क्या होना है, सांत्वना मिली थी कुछ तुमसे, फिर वही रात दिन रोना है, पर क्या करिए परवशता है, इस कारण धीर धर रही हूँ, धरती पर पत्थर सा रख कर मैं तुमको विदा कर रही हूँ, ढाढ़स देकर शांत कर समझा कर बहुबार, विदा हुए आशीष ले श्री अंजनी कुमार, चलते चलते ऐसे गरजे फट गए कलेजे असुरों के, वे प्रलय मेघ सा शब्द हुआ गिर गए गर्भ निश्चरियों के, सुन अट्टहास का विकट शब्द पृथ्वी पहाड़ तक डोल उठे, पहचान घोष बजरंगी का इस पार कीश गण बोल उठे, हलचल वह अवलोक कर बानर दल था दंग, जय राघव कहते उधर आते थे बजरंग, इस पार जभी आए कपिवर कपिगण में हर्ष अपार हुआ, सम्मान हुआ सत्कार हुआ उपचार हुआ जयकार हुआ, सब उन्हें घेर कर बैठ गए उनकी लांगूल चूमते थे, सुन सुनकर लंका दहन कथा हो हो कर मगन झूमते थे, खा मधुवन के मधुर फल करते हर्षोल्लास, जय राघव करते हुए आए सब प्रभु पास, एक एक से हृदय लग मिले मैथिली कांत, जामवंत ने वरण दिया वन का सब वृत्तांत, बोले हे नाथ विजय पाई इन श्री चरणों ही के बल से, फल आया उस बिरवे में सींचा था जिसे कृपा जल से, सो योजन का सागर लांघा बैरी के घर भी नाम किया, जीवन प्रदान कर हम सबको हनुमत ने पूरा काम किया, जामवंत की बात सुन पुलके करुणागार, वीर अंजनी लाल से भेंटे भुजा पसार, हे महाबली हे महावीर बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं, इस कृति के बदले क्या दूं कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ मैं, हो सकता नहीं उर्ण तुझसे इस अवसर यही कहूंगा मैं, जब तक पृथ्वी आकाश रहे बस तेरा ऋणी रहूंगा मैं, अब यह बतलाओ वह देही किस भांति वहां पर रहती है, कैसी निज जीवन रक्षा कर अन्याय असुर का सहती है, ये सुनकर हनुमान ने कहा जोड़कर हाथ, सीता माता की कथा करुण कथा है नाथ, सिंघनी कठेरे में जैसे या रसना जैसे दांतों में, वैसे ही हैं वे सतवंती उन रजनीचर मधमातों में, या जिस प्रकार हो फणि में मणि हो अथवा कमल पत्र जल में, ऐसे रहती हैं मात वहां जिस भांति चंद्रिका बादल में, चलने के समय कहा मुझसे सब मेरी व्यथा सुना देना, छोड़ा जो बाण जयंता पर उसकी भी याद दिला देना, अपराध हुआ है क्या मुझसे जो मुझे बिसारे बैठे हैं, वे प्रणतपाल कहलाकर क्यों अपना प्रण हारे बैठे हैं, दिन रात काल के मुख में हूं पर प्राण में हाय निकलते हैं, दर्शन के प्यासे नैना यह जीवन को रोके रहते हैं, सुधी नहीं महीने भर में ली रघुराई ने आकर मेरी, तो तुरंत आत्मा लौटेगी उन चरणों में जाकर मेरी, चूड़ा मणि चलते समय दिया स्वामी यह चिन्ह लीजिएगा, दुख भरी कथा वे देही की कब तलक कहां तक सुनिएगा, यह सुनते ही अधिक फिर विकल हुए रघुबीर, क्लेश हुआ अति चित्त को बहाद्रगों से नीर, बोले हा ऐसी पवित्रता ऐसे संकट के मुख में है, जिसका मुझसा पति जीवित है वह पत्नी इतने दुख में है, हो कुशकाथरी से जो उसकी महलों का जीवन जिसका है, करनी का लिखा नहीं मिटता होनी का खेल निराला है, हनुमत बोले नाथ के हैं अति उच्च विचार, पर सेवक की भी विनय सुने दया भंडार, दुख उसको होता है जग में जो इन चरणों की शरण न हो, है उसी ठोर दुख या संकट जिस ठोर प्रभु स्मरण न हो, माता का दुख संकट कैसा निशदिन वे नाम सुमरती हैं, मन मंदिर में रघुराई है साक्षात उन्हीं की करती हैं, है विरह ज्वाला का कष्ट जहां अंतर छवि की नरमी भी है, इस जग का है व्यवहार यही सर्दी भी है गर्मी भी है, दूसरे बात कितनी सी है रणभेरी बजने दे स्वामी, लंका पर धावा करने को कपिसेना बढ़ने दे स्वामी, उठकर राघव ने कहा धन्य वीर हनुमान,
तेरी गतिमति योग्यता हो किस भांति बखान। तुझसा उपकारी और नहीं सुर नर मुनि सकल चराचर में, बलवीर हुआ तू अमृत नीर विरही जीवन के तरुवर में। अब और विशेष कहें हम क्या, तू अब से प्राण हमारा है। श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से सीता से बढ़कर प्यारा है। यह कहते कहते पुलकित प्रभु नैनों का नीर रोकते थे, टकटकी बांध कर बार बार हनुमत की ओर देखते थे। देख अवस्था नाथ की हनुमत हुए अधीर, हूक मार चरणों गिरे कहकर जय रघुवीर। थी दोनों ओर प्रेम गंगा कपिदल भी जिसमें नहाता था, स्वामी सेवक का मिलन देख त्रिभुवन मंडल पुलकाता था। प्रभु लगे उठाने हनुमत को, विले वे हिले नहीं उठना कैसा, चरणों में जब गड़ गया चित्त टलना कैसा हटना कैसा। शपथ दिला तब भक्त को खींच लिया निज ओर, आसन दे अपने निकट बोले अवध किशोर। इस प्रकार बोले वचन जब प्रभु करुणा एन, उन्हीं स्वरों में कहें तब हनुमत ने कुछ बैन। एवं मस्त प्रभु ने कहा जन इच्छा अनुकूल, बजी गगन में दुंद भी लगे बरसने फूल। मित्र मंडली में जब भी पहुंचे पवन कुमार, लिपट लिपट कर कीशगण भेंटे बारंबार। नल बोला सच बात तो यह है हे हनुमान, दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। यदि लौट यहाँ आते हम सब सीता माँ की सुध लिए बिना, तो प्राण दंड देते सुकंठ होते न शांत यह किए बिना। कारण वे प्रथम कह चुके थे असफल होकर यदि आओगे, तो पहले से कह रखता हूँ सब दंड मृत्यु का पाओगे। इस दृष्टि से फिर यही कहता हूँ हनुमान, दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। कहा नील ने हमें पर किया नहीं उपकार, है सुकंठ भी मानते इनका यह आभार। कपिपति को रघुपति से यदि यह अवसर पर नहीं मिला देते, तो बालीराज कब का उनको सीधा यमलोक पठा देते। इस कारण मैं यह कहता हूँ यह दुखी जनों के त्राता हैं, कपियों के जीवन दाता हैं, कपिपति के जीवन दाता हैं। जांबुवान बोले तनिक इस पर भी तो दो ध्यान, उस अशोक वाटिका में बढ़े और हनुमान। यदि ठीक समय पर तरुवर से मुद्रिका गिराते नहीं वहां, तो उन वैदेही माता को जीवित तक पाते नहीं वहां। अतएव सिद्ध हो जाता है संकट मोचन है अद्भुत है, कपि क्या है कपिपति क्या है, सीता के जीवन दाता मारुत सुत है। अंगद बोले क्या है प्रभु तक का कल्याण, यह कहना तो धृष्टता दिए उन्हें भी प्राण। पर इतना तो कह देंगे हम उनका भी कार्य संभाला है, सीता की सुधि लाकर उनके जीवन में जीवन डाला है। निश्चय ही इनमें निज बल है, फिर राम कृपा का भी बल है, कर्तव्य परायण है मारुति करनी करने का कौशल है। प्रात काल सुग्रीव से बोले रघुकुल नाथ, रण तो है अनिवार्य है निश्चर गण के साथ। हम आर्य देश के वासी हैं, निज प्रण पूरा करना होगा, सीतोद्धार के साथ साथ सब भूमि भार हरना होगा। हे बलवीरो हे रणवीरो पग आगे ही धरना होगा, सत्यता न्याय मर्यादा पर कटना होगा मरना होगा। रामाज्ञा सुन चतुर दिश गरज उठे बलवंत, एकत्रित सुग्रीव ने कपिदल किया अनंत। है बात ने यहाँ करोड़ों की गिनती अरबों खरबों की है, लहरावली सी टीढ़ी दल सी सेना भालू बंदरों की है। थे अति प्रचंड दुर्दंड सुभट जीवट वाले जीदार सभी, गंभीर सभी रणधीर सभी बलवीर भूधराकार सभी। किलकार मार कर कीश कटक सागर के तट पर जाता था, आकाश धूल धूसरित हुआ दिनकर दृष्टि में आता था। मुखरित हो उठा मेदनी तल, खल दल में खलबल हलचल है, जयकार विश्व में गूंज गया हर्षाय मान सुर मंडल है।
घर में आ जाए एक बानर तो घर वाले घबराते हैं, लंका में कैसे बीतेगी जब इतने बढ़कर जाते हैं। जय सियाराम।